की है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, बीच रही है चुनावी पिसा, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता करेगी तय, किसको बनाएगी अपना सरताज। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए पंचायत चुनाव पर चर्चा, आपके अपने चैनल टीवी इंडिया 18 पर। जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की बकेबर में कस्बा में जनसभा को संबोधित स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया था, मैं उसी बीच में मैं जनता से जानना चाहता हूं कि जनता की राय क्या है। किसानों को सौगात देने के लिए आए हुए थे प्रदेश अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहते हैं उनके जनता से, मैं राय जानना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? शिवांग। हाँ, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए थे, क्या राय है, क्या किस प्रकार से देखना चाह रहे हैं? ठीक है, राय की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि इतना नहीं सुना, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस रैली में आया था, लेकिन मैंने इस भीड़ को देखा जी, तो कहीं ना कहीं देखो मैं दोनों तरफ देख रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का तो रथ यात्रा चल रही है, मैं उसको भी देख रहा हूँ, इसको भी देखा मैंने जी। तो कहीं ना कहीं जहाँ किसानों की बात करें, भीड़ की बात करें, तो कहीं ना कहीं अभी जैसे इटावा के पास सैफी पड़ता है, वहाँ पे परसों अखिलेश जी ने रैली की थी, वहाँ पे रथ यात्रा थे, तो इतनी भीड़ थी वहाँ पे कि जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे जी। तो यहाँ पर जहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे भाजपा के, ठीक है, यहाँ पर इतने भी भीड़ नहीं थे। मैं आपको मंच दिखाना चाहूँगा कि आप ये मंच देखिए कि ये मंच जो है वो यहाँ से यहाँ तक का है। नहीं तो मेरा कहने का मतलब आप समझिएगा, और आप उस रथ को देखिएगा, वहाँ से इसकी कवरेज कीजिएगा, आपकी जहाँ तक आपकी आंखें जाएंगी, आंखों की नजरें जाएंगी ना, वहाँ तक भीड़ दिखाई देगी जी। तो ये आप नहीं तो आप तो ये तो मंच खत्म हो गई है ना, वो जनसभा को खत्म हो गई है। आप तो मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा जी। हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जी, जहाँ पे मीटिंग या मंच साझा करती है जी, वहाँ लोकल के ही लोग होते हैं जी। हम लोग सपा की तरह नहीं कि पूरे प्रदेश से लोगों को एक जगह इकट्ठा करें, हम लोग स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं और स्थानीय लोगों से मिलने अलग अलग जाते हैं, ना कि एक ही जगह पूरे प्रदेश के लोगों को इकट्ठा करते हैं। बात करते हैं आगे जी, मतलब सरकार की उपलब्धियों की जी। आज फ्री राशन हम साल में दो बार दे रहे हैं, महीने में दो बार दे रहे हैं जी। जनता से आप मिलिए, वहाँ हम उनके बीच में जब बैठते हैं तो लोगों के चेहरे पर जो मुस्कान होती है, जिसके घर में आटा नहीं होता उसे गेहूं मिलता है, जिसके घर में तेल नहीं होता उसे रिफाइन मिलती है, दाल मिलती है, चना मिलता है, तो लोग मोदी योगी को देखते हैं, ना कि क्षेत्रीय नेताओं को। यहाँ पे लोग जो हैं क्षेत्रीय नेताओं को ना देख के, हम लोग जो देखते हैं ओनली योगी जी को और मोदी जी को, हम लोग केवल कमल के फूल के साथ हैं, ना कि और राष्ट्रहित के साथ में हैं, ना कि इन मुद्दों के साथ में। यहाँ पे जो भीड़ की बात कर रहे हैं, हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं, क्षेत्रीय लोग ही यहाँ पे आते हैं, पूरे प्रदेश से लोगों को नहीं जुटाया। ये राशन की जहाँ ये बात कर रहे हैं तो मानता हूँ मैं, राशन ये दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए फ्री का कहने का मतलब ये है कि सरकार दे रही है फ्री का। अखिलेश राज में यादव के सिवाय किसी को नौकरी मिली जब बताओ पहले हमें ना, अखिलेश राज में यादव के सिवाय किसी को नौकरी मिली जी? है पुलिस में तो यादव, जहाँ देखो तहाँ यादव, अब्बू यादव को प्रणाम है। अखिलेश जी से आपकी क्या नाराजगी? हमारी ये नाराजगी है कि एक जात को क्यों देखती है बस। तो अखिलेश जी जातिवादी? हाँ, मुलायम सिंह, अखिलेश, शेफाल सभी जातिवादी है। किसका परिवार नहीं होगा तो परिवार को नहीं देखेगा, किसको देखेगा? हमें परिवार ही तो देख ले फिर। परिवार जिसका परिवार होगा वो परिवार को देखेगा, जिसका परिवार ही नहीं तो वो देखेगा क्या परिवार को? तो आप अखिलेश जी से कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं हमारे जिले का। दस में कितने नंबर देना चाह रहे हैं? 100 में 100%। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जनसभा संबोधित हुई थी, उस समय आपने अखिलेश जी का नाम ले रहे हैं, अखिलेश जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वजह जान सकता हूँ इसकी? हाँ, वो हमारे जिले के, हमारे जिले में सारी सुविधाएं उन्होंने की है, 100 नंबर चलाया, एम्बुलेंस चलाया, अखिलेश की देन है। अच्छा, तो अखिलेश को विकास का पुरुष मानते हैं आप क्या? हाँ मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से को देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सोच जितनी ऊपर है और जनता में जो जनता के लिए करती है, उसके अखिलेश नहीं जितने भी दल हैं बहुत नीचे, बहुत परे, सोच नहीं पाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। योगी मोदी जो कर रहे हैं जनता के लिए, जो जनता के लिए करते हैं, वो ये सोच भी नहीं पाएंगे ये विकास क्या करेंगे।
क्या ये नंबर बढ़ाएंगे, ये कुछ नहीं है, ये जुमलेवादों की सरकार है, केवल एक परिवार की सरकार है, एक परिवार की चिंता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में देखो जितनी होर्डिंग पर चित्र लगे हैं सब अलग अलग जात के हैं अलग, और आप जब समाजवादी का चित्र देखेंगे तो सब एक ही परिवार के लोग होंगे। पूरे प्रदेश में जितने भी जिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा आप देखिएगा 99% जिला अध्यक्ष समाजवादी का यादव होगा। क्यों, अन्य जातियाँ नहीं है क्या? अब कुछ लोग हैं जिन्हें व्यक्तिगत फायदा ये लूट मिल रही हो या लूट करते हो तो वो केवल यहाँ पे दो लोग करते हैं, जो गुंडे हैं वो समाजवादी को प्रमोट समर्थन करेंगे, और जो डकैत हैं जो डकैती वो करेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी में डकैती नहीं डाल पा रहे हैं तो वो विरोध करेंगे, वो उनकी मानसिकता है। समाजवादी पार्टी के लोग तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी भी गुंडे ही कर रही है क्या? एक कार्यकर्ता बता दो पूरे प्रदेश के अंदर, एक कार्यकर्ता मैंने कहा 1000 गिना दूंगा जितने गलत करने में सभा के। और बताइए, यहाँ बेटियाँ सुरक्षित हैं, बेटे सुरक्षित हैं, आप चकन नगर में जाइए 5 साल का बच्चा है उसका मर्डर हो गया, क्यों सरकार क्यों लापरवाही कर रही है ये बताइए। चकन नगर नहीं, लखनऊ में पहले तो ये सोचे वो भी मर्डर नहीं, आपसी रंजित घरेलू रंजित है, सुरक्षित है आप लोग राजनीति लाशों पर करते हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति लाशों पर नहीं करती है। अच्छा अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी की है, इससे जनता को क्या लाभ हुआ था? बिल्कुल लाभ हुआ, जो भ्रष्टाचार क्या लाभ हुआ था? एक एक नोट के तीन तीन नोट चल रहे थे एक एक नंबर के समाजवादी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में एक नोट का एक ही नंबर चल रहा है जी। अब नहीं चल रहा है कोई। अब विधानसभा 2022 में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ोगे? बंटा ही जीतेगी, विकास के मुद्दे पर, देश के नाम पर, आस्था के नाम पर, और गरीबों के सभी के आशीर्वाद से हम जीतेंगे। झूठे वादे। अच्छा, आप योगी जी से वादे झूठे वादे। अच्छा, योगी जी तो आपको फ्री गल्ला महीने में 2 बार गल्ला दे रही है, आप इतने नाराज क्यों हैं? इस दिसंबर के महीने से चना और गेहूं दे रही है जी, और इसके पहले कभी फ्री गल्ला मिला जी, बताइए जी। अच्छा अच्छा, हाँ, आपका क्या नाम है? असलैन सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी की जनसभा में आप आए हुए थे, किस प्रकार को देख रहे हो आप? बहुत बड़ा जन समर्थन था यहाँ पर जी, बहुत जन सहयोग था जी, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है जी। मेरा मात्र अन्य विरोधी दलों से ये कहना है जी, जो भगवान श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। नहीं, आपने श्री राम की जय बोलने में, जिन्हें भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है, मैं धिक्कार भेजता हूँ ऐसे नेताओं पर। आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ोगे आपकी पार्टी? विकास पहले भी था, विकास आगे भी है, और हमेशा विकास ही होगा। समाजवादी पार्टी के लोग तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में गुंडे ही होती है, आप किस प्रकार से देख रहे हैं? ये जनता, मैं नहीं, मैं एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने की ऐसे कहूंगा तो लोग नहीं मानेंगे। एक एक व्यक्ति आम जनमानस भी जानता है कि गुंडे किस सरकार में होती थी, सपा में या भाजपा में। और जी बस जय जय श्री राम। अभी इस समय आप देख रहे थे जनता की राय में भारतीय जनता पार्टी का, यहाँ पे बहुत बड़ा विशाल किसान महासम्मेलन हुआ था और किसानों को स्वतंत्र देव जी ने सौगात देके गए हुए थे, तो जनता की मैंने राय ली है। आप देखते रहिए टीवी इंडिया 18 को, लगातार आपको